हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम में अब सिर्फ 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तभी कर सकते हैं अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। तो आप मैक्सिमम मार्क्स, या आप कह सकते हैं एक लास्ट टाइम पे बूस्ट अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैंने एक सीरीज चलाया है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के PYQ कराऊंगा। पहले CDP है, फिर हिंदी, इंग्लिश, आपके SST सब्जेक्ट और साइंस, सारे सब्जेक्ट की आपकी PYQ रहेंगी। उसके बाद थ्योरी भी रहेंगी, ये जाओ के फिलोसफर उनके बारे में बताऊंगा, और नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड्स क्या होते हैं, किसमें क्या पढ़ ले जो सफिशिएंट रहेगा पेपर क्रैक करने के लिए, वो सारी आपको वीडियो डे बाई डे देखने को मिलती रहेंगी। मेरा सेटअप क्लियर हो चुका है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कैसे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपना सेटअप को क्रैक कर सकते हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2024 का CDP का पेपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब वाइगोत्स्की कौन थे? वाइगोत्स्की आपके CDP में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं, जिसमें से प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलरबर्ग है। तो वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की ने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी सोशल कल्चरल अप्रोच उन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे को उतना सपोर्ट या उतना आलम्बन देना चाहिए कि बच्चा को कार्य खुद से करे, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन और सही डायरेक्शन मिले। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। इन्होंने इसके फोल्डिंग की बात करी थी और ZPD की बात करी थी। जब मैं आपको फिलोसफर के बारे में बताऊंगा तो आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्य को देना जो विद्यार्थी वर्तमान से में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर आपका सेकंड वाला होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ कि आलम्बन यानी सपोर्ट देना, उतना सपोर्ट देना कि छात्र वो कार्य खुद से कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड वाला। अब इसकी व्याख्या लिखी गई है, आप पूरी इसको वीडियो को पॉज करके आप इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि किशोरा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इन क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना होता है कि हर क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि कौन सा सही है कौन सा सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछता कौन सा सही नहीं है। तो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग सही वाला टिक करके चले आते हैं। अब पूछ आपसे क्या रहा है, नहीं वाला पूछ रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। पहले लिखा हुआ है आपके सामने ऑप्शन कि किशोरा व्यवस्था एक सामाजिक रचना है। सेकंड लिखा हुआ किशोरा व्यवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, या ऐसी एक प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता की ओर ले जाती है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ किशोरा व्यवस्था बचपन में वयस्क आपके बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, किशोरावस्था की सामाजिक रचना बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था क्या है कि एक आमतौर पर यौवन शुरू करने के लिए माना जाता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। फिर कह रहा है किशोरावस्था से क्या होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है, यानी शारीरिक विकास भी होता है, संज्ञात्मक विकास भी होता है और मनोसामाजिक विकास भी इसका होता है। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। अभी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ध्यान सुनिए कि अगर बच्चा जो USA में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, जो इंग्लैंड में रह रहा है, या कोई इंडिया में रह रहा है, तो सबके कल्चर के अलग अलग है। तो सबकी किशोरावस्था यानी सबका कल्चर जब अलग है तो सब लोग अपनी कल्चर के हिसाब से ही किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी हर बच्चा एक समान तरीके से प्रवेश किशोरावस्था में नहीं करता है, सभी संस्कृति बच्चे नहीं होते, क्योंकि हर सबका कल्चर अलग अलग है। तो इसलिए बच्चा भी किशोरावस्था में अलग अलग कल्चरल वाइज प्रवेश करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद राशि प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, यानी सुजाता डांस कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट ले रही है कि उसे कैश प्राइज चाहिए। अब पहला ऑप्शन लिखा, क्या ये इसलिए पूछ रहा है कि उसका कैसा मोटिवेशन है, ये आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाहरी रूप से प्रेरित है, या महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या असफलता परिहार शिक्षा तो है। अब देखिए, उन्मुख महारत में क्या होता है कि आपको मास्टरी आनी चाहिए, इसमें मास्टरी की बात नहीं कर रहा है। अब आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है, यानी आंतरिक रूप से प्रेरित क्या होता है कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, जिसमें उसका मन करता है वो उससे काम करे, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करे। लेकिन जब भी कोई बात आ जाएगी कि सबको दिखाने की, या आपको सिर्फ फर्स्ट प्राइज जीतना है, या आपको सिर्फ कैश जीतना है, यानी सिर्फ लोग सब सिर्फ उसकी वाहवाही करें, तो वो होता बाहरी मोटिवेशन। तो इसमें जो सुजाता है वो सिर्फ क्या कर रही है, डांस में कॉम्पिटिशन इसलिए ले रही है क्योंकि उसे सिर्फ प्रथम पुरस्कार ही चाहिए, इसलिए बाहरी मोटिवेशन है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब इसका ये व्याख्या लिखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर व्याख्या में पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षार्थों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में मानना चाहिए। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए।
या विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या सभी विद्यार्थी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्य और समान पुस्तक को लागू करना चाहिए। देखिए समान आप पुस्तक पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते, यानी आप सबके लिए अगर एक ही जैसा करिक्रम लागू कर देंगे तो बच्चा जो आगे है वो तो आगे रह जाएगा, जो पीछे वो हमेशा पीछे रह जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। फिर क्या लिखा है, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार बिल्कुल नहीं। आप कोई भी मतभेद को या विभिन्नताओं को आप किसी भी कमी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज बिल्कुल गलत, नजरअंदाज भी नहीं करते हम लोग। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब इसका आप सॉल्यूशन आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने लिखा हुआ है कि जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। अब प्याजे ने क्या कहे का सिद्धांत दिया था, प्याजे ने कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका संज्ञात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसके 4 स्टेज बताया था। जब इसकी डिटेल में वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसके अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर स्टेज में क्या कैसे 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 विकास होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्रश्न क्या लिखा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसमें विश्वसनीयता से मापा जाता है। तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि आप ज्ञान को विश्वसनीयता से नहीं नाप सकते, हम लोग से अनुमान लगाते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया है। अब प्याजे के अनुसार आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन हो सीबीपी में ध्यान ही रखना होता है कि सबसे पॉजिटिव आंसर क्या है। जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वही उसका आंसर होगा क्योंकि दिखने में आपको सबसे सही लगेगा, लेकिन पॉजिटिव में ढूंढना है। अब ऑप्शन नंबर पहला लिखा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्याजे के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, करेक्ट है। क्योंकि प्याजे ने कहा था कि बच्चा जब विकास करता है अपना खुद ही तभी उसको कार्य सीखता है, जब वो सीखेगा तभी उसका ज्ञान का अर्जन होगा। और लेकिन आपका वैगोस्की ने कहा था कि बच्चा पहले सीखता है उसके बाद उसका विकास होता है। तो ये इन दोनों में मतभेद होता है। तो प्याजे ने कहा था कि बच्चा जब बच्चे का विकास होगा तो अपने आप ही वो चीज़ों को सीखने लगेगा, लर्निंग करने लगेगा। जब सीखेगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा, अर्जन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इनकी पूरी व्याख्या लिखिए आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन लिखा है एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन। अब प्रगतिशील कक्षा होती क्या है, तो प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सॉरी प्रोग्रेसिव क्लासरूम। क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है जिसमें हर चीज काम बहुत प्रोग्रेसिव बहुत फास्ट फास्ट होता है जिससे बच्चा का विकास जल्दी रूप से हो सके। तो पहला ऑप्शन लिखा आपके सामने कि यह पहला ही गतिशील होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, या मानव संदर्भित होती है, या योगात्मक होती है। तो क्या होती है गतिशील, इसमें सारा कार्य क्या तो बहुत तेजी तेजी से ही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 लिखा कि ध्यान देना, ऑप्शन 2 लिखा है कि छह देना, ऑप्शन 3 लिखा है भूलना, ऑप्शन 4 लिखा है पूर्ण प्राप्ति करना। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी आपका स्मृति की बात आएगी यानी आपका जो आपने ज्ञान प्राप्त यानी ध्यान रखना, जब आप कोई चीज को मेमोराइज करोगे तो क्या ध्यान रखोगे ना, तो जब भी कोई चीज को मेमोराइज करेंगे तो हम क्या देना होगा, उसमें ध्यान देना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या करेक्ट होगा, या आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी विश्लेषण करना, कुछ इस बारे में सोचना। सोचोगे जब आप कोई चीज को बारे में कब विश्लेषण करोगे, कब उसका एनालिसिस करोगे, जब आपको पूरी कहानी पूरी स्टोरी मालूम हो उसके विचार पर ही आप अपना विश्लेषण कर सकते हो। तो हमको सबसे पॉजिटिव आंसर सुनना है। तो पहला आपके सामने लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। तो गलत क्वेश्चन है कि कथानक क्या है। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, ये भी आप पढ़ोगे आपको स्टार्टिंग में मालूम चलेगा कि विषय क्या है। फिर क्या लिखा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवाक का उपयोग कैसे करते हैं, टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो देखो भैया प्रतिपाद कैसे करते हैं, जब भैया तुमको मालूम स्टोरी होगी तभी तो बता पाओगे किस तरीके से वो कार्य करते हैं, किस तरीके से प्रतिवाद का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ये है अभिकथन और कारण वाला, इसमें बस ये देखना ये होता है कि ए और आर आपका मैच कर रहा है कि नहीं, यानी एक ही के बारे में कोई बात बता रहा है तो व्याख्या करेगा, नहीं बताएगा तो व्याख्या नहीं करता है। ये बस पता लॉजिक का रहता है, आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत आसान से क्वेश्चन रहता है। क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षक अपने बारे में चिंतन करेगा, चीजों को और पढ़ेगा, या उसने ज्ञान जो अर्जन करा है उस पर चिंतन करेगा तो उसका नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा, उसको अपनी कमी के बारे में मालूम चलेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षा से चिंतन। कारण क्या लिखा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो।
कि भैया देखो हमने क्या बताया कि जब टीचर अपने जब कोई भी टीचर अपने बारे में चिंतन करेगा तो उसका क्या होगा, ज्ञान कैसे कमी मालूम चलेगी और ज्ञान के बारे में और वो जानेगा। तो भैया शिक्षक दिन टीचर कैसा होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए। तो ये यार दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब कोहलरबर्ग आ गए। कोहलरबर्ग ने क्या का सिद्धांत दिया था, कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था यानी मोरल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने इसमें टोटल 8 स्टेज बताया था, जब हम लोग वीडियो को देखेंगे तो हम लोग कायदे से समझेंगे। तो उसी में से एक क्वेश्चन है ये, उसी स्टेज में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जितने फिलोसफर 3 फिलोसफर हैं इनमें से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्र तर्क है, यानी जो कैरोल गिलिगन ने आलोचना करी थी वो कोहलरबर्ग के बारे में क्या आलोचना करी, किसके बारे में आलोचना करी थी। ऑप्शन आपके सामने लिखा कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 लिखा हुआ आपके सामने कि बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ आपके सामने बच्चों के अध्ययन और प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना, स्कूल जाने वाले बच्चों को अध्ययन में शैक्षिक निजात करना। तो भैया जब भी जब कोहलरबर्ग के बारे में आएगी बात तो इन्होंने नैतिकता और नारीवादी के दृष्टिकोण बहुत अधिक बल दिया था। करेक्ट, ये इनका पूरा लिखा हुआ आप सब पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए की रास्ते मिलते हैं। तो क्या कहें, जब भी बच्चा वास्तविक जीवन जिएगा तो जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपने अनुभवों से उसको क्या करता, सॉल्व करता है और कुछ नए भी सीखता है और अपने अनुभव में उसको ऐड कर देता है। तो ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। लिखा हुआ है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि विकास आपका जो व्यवस्थित नहीं होता है और ना ही एक सिक्वेंशियल वे में होता है, एक ज़िगज़ैग के फॉर्म में होता है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी ज़्यादा कभी कम। तो विकास क्या होता है, एक स्ट्रेट वे में नहीं होता, ये एक ज़िगज़ैग पैटर्न में होता है। तो ए सही और आर गलत, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। चलिए इसकी व्याख्या लिखी हुई है, क्या लिखा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया गया, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लिया, ये ऑप्शन है परंतु व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि अब इसकी व्याख्या पढ़ोगे समझ में आएगा। लिखा है वास्तविक जीवन की समस्याओं और साकार अनुभव से सीखने से बच्चों को शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई पथ मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास व्यवस्थित और अनुक्रमिक ना होकर सामाजिक और सांस्कृतिक, आगे बात वहीं पर कि यह एक स्पेशल में नहीं होता, एक सामाजिक एक कल्चरल पैटर्न है, एक संस्कृति के सोशल एंड कल्चरल पैटर्न है इसका, तथा वातावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है और विभिन्नता लाई हुई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला ही करेक्ट होगा, ये मिस प्रिंटिंग हो गई थी, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, लिखा हुआ है यह डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षातो यानी स्टूडेंट्स की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। कई क्षमता को प्रभावित करती है, भावात्मक चित्र बनाने, ऑप्शन नंबर 2, तांत्रिकीय ध्वनियों को प्रतीकों या चिन्हों के साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण करने में, या फिर संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने में। तो इस जब भी आपकी डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है या डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी होती है उसमें बच्चा क्या करता है, ध्वनियों को चित्र के साथ या चिन्हों के साथ जोड़ नहीं पाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। अब देखा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति है, यानी जो आपका टीचर है वो क्या कर रहा है, क्या जो विचार है आपकी संकल्पनाएं हैं उनको वास्तविक दुनिया में जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी आपकी हेल्प कर रहा है, तो कौन सी गतिविधि करेगा वो। तो छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराने में मदद, बिल्कुल गलत, जब भी आपके इसमें सीचर में जब भी आपको रटने की बात आए तो बिल्कुल गलत होता है वो। फिर लिखा हुआ या केवल ऑप्शन आ जाए तो भी गलत होता है वो। फिर लिखा विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQ वाली कार्यों कार्य प्रत्येक पूरी करने को कहे, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन के विधि द्वारा सीखने को कहे। छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने को कहे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा अपना ग्रुप बनाएगा उस ग्रुप में अपने विचार को दूसरे के सामने रखेगा, जिसका बेहतर विचार होगा वो क्या अपने क्लास में प्रस्तुत करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है। जब भी ग्रुप एक्टिविटी की बात आएगी यानी समूह की बात आएगी तो आपका वो पॉजिटिव आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप इसके पढ़ सकते हैं इसका व्याख्या। चलिए अगला क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, लिखा कोहलरबर्ग के नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की किस अवस्था किस स्टेज में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमना होता है, यानी जब कोहलरबर्ग ने अपना मोरल डेवलपमेंट दिया था तो उसमें कौन से स्टेज में बच्चा कानून के आगे पीछे घूमता है। तो आपके 4 ऑप्शन लिखे गए, ये आपके जो 6 स्टेज हैं कोहलरबर्ग की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 पारंपरिक नैतिकता, यानी आपको क्या है ऑप्शन नंबर लॉ एंड ऑर्डर, आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या 3rd वाला, सॉरी इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है पारंपरिक नैतिकता, वही आपका क्या आंसर सही होगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर।
या पढ़ सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछ रहे हैं, आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है तो कौन सा उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो विविधता को दृष्टिकोण समावेश करना बिल्कुल सही है, जितने आपका डाइवर्सिटी है उनको सबको एक साथ पढ़ाना। अब जो पीछे उनको क्या करना, उचित समावेश देना, फिर विविध विभेदित निर्देश देना। अब जिनको सुनाई नहीं दे रहा उसको अलग तरह से निर्देश देंगे, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है उनको अलग प्रकार से निर्देश देंगे। तो इस तरीके से विभेदित निर्देश देना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही है इसमें, क्योंकि यही नेगेटिव ऑप्शन आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शात पोर्टफोलियो एक प्रभावी उपकरण है क्योंकि, तो रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में दृष्टिकोण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगर पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहा है आपसे तो क्या करता है, वो छात्रों के बारे में क्या बताता है आपको, वो छात्रों की प्रक्रिया के में छात्रों को शामिल करता है। बिल्कुल बात सही है, जब छात्रों के बारे में है तो छात्रों की जितनी भी आपकी प्रक्रिया होती है क्या बताता है, उसके बारे में बताता है। फिर क्या लिखा हुआ है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, छात्रों के बारे में क्या अंतर्दृष्टि के बारे में बताता है। फिर लिखा, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करता है। गलत है, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट यानी एनुअल रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं प्रदान करता है। वे छात्र केवल नहीं करता है, करता नहीं केवल नहीं करता है, वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर एक ए बी डी किसमें सही है, ए बी और डी, सी तो रॉन्ग था, ए बी तो मिसप्रिंटिंग हो गई है इसमें। ऑप्शन नंबर ये देखिए जो आपका ये वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर जो आंसर दिया गया है 4 दिया गया है, यानी मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, ये अब सी होगा, तभी तो ए बी सी गलत है, ए बी डी क्या है आपका सही है। अब इसकी अभी व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी आपका मास्टरी के बारे में बताता है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी कार्य के लिए कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। फिर लिखा, बाहरी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, या अपमान से डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन नंबर आपका दिखा है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन के प्राप्त करने पर ध्यान देना। देखो, एक निश्चित के बारे में बात नहीं करेगा, जब भी महारत की बात करेगा तो आप क्या करोगे, करके सीखोगे, सीख के कार्य करोगे। तो किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, यानी जो कमी है उसको देखना, उसको जानना और उसे अपनी कमी को स्वीकार करना, उस पर क्या करना, सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ये आप किसी व्याख्या दी का पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है, प्रोग्रेसिव टीचर की बात कर रहा है। फिर क्या लिखा, ऑप्शन नंबर 1 लिखा है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकारी का प्रथम स्रोत है। शिक्षक ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, शिक्षक परिचर्या के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। देखो, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने को देगा, हाँ सही है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बच्चा मान लो गलती सीख रहा है तो वो गलती ज्ञान अर्जन कर लेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब इसमें बात करें आलंबन की बात, तो आलंबन की बात किसने करी थी, सपोर्ट की बात किसने करी थी, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे को उतना सपोर्ट देना चाहिए जितना वो कार्य ना कर पाए। जहां से उसको समझ में आ जाए वहां से हमको पीछे हो जाना है और वो अपना कार्य आगे से खुद करे, यानी इतना भी नहीं सपोर्ट देना है कि वो कार्य ना करे और इतना भी कम ना देना कि वो कार्य ना कर पाए, तो उतना सपोर्ट देना। तो जब भी सपोर्ट की बात होगी तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। किसने कहा था, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। अब ये पूरा पढ़ सकते हो, आपको मालूम चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि पाठ्यपुस्तक और मीडिया कि विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो भाई किसको प्रोत्साहन मिलेगा, कौन सा सवाल को प्रोत्साहन मिलेगा, इसके बारे में विभिन्न जेंडर के प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। तो आपके सामने पहले लिखा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। देखो भाई, जब इनके ऊपर क्या करोगे, तो देखो जब जेंडर की बात होगी तो क्या उसमें क्या करोगे, उस पर सवाल उठाओगे, आप क्या करोगे, सवाल उठाओगे, उनको मजबूत नहीं करोगे, स्थिर नहीं करोगे या हतोत्साहित नहीं करोगे, उस पर सवाल उठाओगे, जेंडर रूढ़िवादी पर क्या उठाओगे, आप ऊपर सवाल उठाओगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब जेंडर रूढ़िवादी के बारे में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, जीन प्याजे, तो आ गया फिर से क्वेश्चन, अभी आपका जीन प्याजे के स्टेज के बारे में आ गया, 4 स्टेज दिया था, चारों स्टेज के नाम इसमें लिखे हुए हैं।
तो जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक्स का अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होता है और विद्यार्थियों को में सक्षम बनाती है, यानी किसमें वो चिन्हों में विभेदित कर सके, किसमें समझ सके कौन सा चिन्ह किसका है, कौन सा चिन्ह किसका है, यानी रीजनिंग पावर उसकी आ सके, उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी आ सके। तो इनकी फोर स्टेज थी, वो उसी में से ही ऑप्शन है। तो उसका पहला ऑप्शन निकाला कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी बीजगणित और गणना करना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता करना, फिर औपचारिक संक्रमात्मक अवस्था बीजगणित या गणना। ऑप्शन नंबर 4 लिखा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा, यानी फॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहा है, यानी फॉर्मल स्टेज के बारे में बात कर रहा है। जब पढ़ोगे स्टेज इसकी तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ये पूरा पियाजे के बारे में इन्होंने लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता, आंख को बार बार मूंदता और रगड़ना, आंखों की लासी सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किस संभावित लक्षण से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको पहले लिखा हुआ है कि दृष्टि संबंधी समस्या है, भाषा की समझ की समस्या है, या सवलीनता विकार, संचार संबंधी विकार। तो ऑप्शन क्या होगा, देखो भैया वो आंख को मूंद रहा है, सर घुमा रहा है, चिन्ह को नहीं जान पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, उसको दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आइए पढ़ सकते हैं भैया क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, का रीजनिंग और एसेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो क्या लिखा है, तो आपको ए और आर पढ़ना है। देखो ये इसके बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो पहला तो आपका जो ये पहला पॉइंट बता रहा है ए बिल्कुल सही कह रहा है, कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों को शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आप लक्ष्य को निर्धारित करो, इसको तैयार करो और बच्चे को साथ साथ पढ़ाओ, अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करो जो आपने करिकुलम बनाया है। अब इसमें कह रहा है कि मतभेदों को समाप्त कर देना चाहिए, अगर मतभेदों को हम लोग समाप्त कर देंगे तो फिर हम लोग समावेशी कक्षा का फायदा क्या है, समावेशी कक्षा क्या है, क्या मतभेदों को समाप्त ना करो, उनके मतभेदों उनके डिफरेंस यानी उनके डिसेबल या डाइवर्सिटी है उनको अपनाओ और उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान करो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है और आर गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 या 23 बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ कि वैगोस्की के बारे में आ गया, वैगोस्की ने कायका सिद्धांत दिया था, मैं बार बार इसलिए बोला था कि आपको याद हो जाए, वैगोस्की ने सिद्धांत दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। वैगोस्की क्वेश्चन लिखा, वैगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंत क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुर्भिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो बच्चे जब भी वैगोस्की के अनुसार बच्चे जब भी अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन यानी मोर नॉलेजेबल के बारे में के साथ रहेंगे तो उससे क्या करेंगे, वो ज्ञान को अर्जन करेंगे और ये भी विकास के क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि विगोस्की ने इसके फोल्डिंग की बात करी थी। यानी आप जब भी अपने कोई बड़े के साथ यानी अपने अनुभव अपने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से रहोगे तो आप अपना ज्ञान को अर्जन करोगे और इसके फोल्डिंग की बात उन्होंने करी थी, यानी जो आपका से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है वो आपको हेल्प करेगा, उसी हेल्प को उन्होंने इसके फोल्डिंग के नाम से दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अधिक जानकार और अंदर यानी जानकार से रहो और यह विकास क्षेत्र के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आपका पूरा लिखा हुआ, आप इसको बढ़िया आराम से पॉज करके आराम से पढ़ लिए इसको। चलिए क्वेश्चन 24 लिखा हुआ, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक रणनीति होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र है जो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो टीचर कौन से एक्टिविटी कराए कि वह क्लास में कंसंट्रेट करने लगे। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा आपके पास, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को शक्ति के साथ को भाई शक्ति की बात आ गई, पनिशमेंट की बात आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लिखा गया, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त बिहेवियर गलत हो गया, क्या पनिशमेंट या कार्रवाई नहीं कर सकते हो। तो ये और ये तो ऑप्शन गलत हो गए थे। पहले लिखा ऑप्शन, छात्र कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए कार्य देना, बार बार करने के लिए कार्य देना। अब अगर कोई कोई बार बार करने की बात कर रहे हैं, आप उसको रटने के लिए कह रहे हो, बच्चे को रटाया नहीं जा सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 का क्या करेक्ट है, क्या कह रहा है कि आप उसको टाइमर दो, जब उसको समय दोगे टाइमर दोगे तो बच्चा खुद ही कार्य को जल्दी करने की कोशिश करेगा, जब वो करने की कोशिश करेगा तो उसका कंसंट्रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये इसकी पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, छात्रों के अच्छे प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से
भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उनका होना मान्य रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये इसका कारण दिया हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है वो आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका जो पहला और दूसरा दोनों सही है और आर से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, उससे भी बच्चा कुछ चीजें सीखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा कि व्याख्या भी कर रहा है और सही भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन देना अधिगम तब होता है जब छात्र को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। तो इसमें ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा पॉजिटिव आपको आंसर लग रहा है बताइए। जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा है वो सबसे पॉजिटिव लग रहा है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ जब भी बच्चा सीखेगा तो क्या होगा, अपना सिद्धांत कैसे बनाएगा, जो उसका पर्यावरण है जो चीजें अपने आसपास वो देखेगा उसी से वो सीखेगा और वो सिद्धांत जल्दी याद कर लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से घुल मिल जाते हैं के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देखते छोटे छोटे बच्चे की क्लास में बड़े बड़े चार्ट लगे होते हैं, ABCD का चार्ट लगा है, फ्रूट्स नेम का चार्ट लगा है, बर्थ नेम का चार्ट लगा है, वो क्यों लगता है, क्योंकि बच्चा देखे और खुद ही ज्ञान को अर्जन करे, खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करे देख देख करके। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतना ही अधिक संकेत और वह इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक कम से कम मदद करे। बिल्कुल सही बात है कि जब भी बच्चा को कोई दिक्कत आ रही है तो छात्र जब भी बच्चे को दिक्कत है तो टीचर क्या करेगा, उसकी हेल्प करे, उसको इशारे दे, और जैसे उसको समझ में आने लगे टीचर अपने इशारे या उसको से दूर होने लगे ताकि बच्चा वो कार्य खुद से करे। फिर लिखा हुआ कारण के सामने कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि देखो जब भी बुद्धि लब्धि की बात आएगी IQ की बात आएगी आप इसको खाली एक हम लोग अनुमान लेते हैं फॉर्मूले से, लेकिन इसको सटीक रूप से नाप नहीं पाते। देखो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इसमें बात कर रहा है इसके फोल्डिंग की बात, यानी बच्चे की ज्ञान की बात कर रहा है भाई गौसी के अनुसार हेल्प करना उनको इशारे देना, और इसमें बात कर रहा है बुद्धि के बारे में। है दोनों सही लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 वाला करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर व्याख्या क्या पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। अब समाजीकरण के बारे में बात कर रहा है, यानी समाजीकरण की क्या विशेषता है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है या एक जटिल प्रक्रिया है या एक बहुआयामी प्रक्रिया है या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। देखो समाजीकरण क्या है, एक रेखीय प्रक्रिया तो है ठीक, क्योंकि सबका समाजीकरण सब लोग एक ही अवस्था में समाजीकरण में प्रवेश करते हैं, तो क्या एक रेखीय प्रक्रिया है, फिर एक कठिन प्रक्रिया भी है, जटिल भी है, बहुआयामी भी है, बहुत प्रकार से भी होती है, और हर संस्कृति बच्चे में क्या एक विशिष्ट रूप की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी हर समाज का अलग अलग विशेषता होगी। तो ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, 4 आपके सही है। अब समाजीकरण के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है, आप उसको अच्छे से पॉज करके पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि रीजन और असम्पशन वाला क्वेश्चन है, या वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। फिर लिखा हुआ है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो बताइए क्या होगा, बोलिए क्या सही लग रहा है। लिखा वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण, यानी कोई एक निश्चित क्षण नहीं होता कि जब बच्चा बालावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई सबका टाइम फिक्स नहीं होता है। फिर क्या विकास प्रकृति में निरंतर चलता रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जब भी बच्चा बालावस्था से किशोरावस्था में गया विकास तो हुआ है, तो विकास क्या है, प्रगति में निरंतर होता रहता है, यानी कंटिन्यूअस होता रहता है, तो दोनों विकास की ही बात कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी इसकी कर रहा है। अब पूरा आप लिखा पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसम्पन्नता के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब टीचर जो है वो क्या रोल मॉडल है, वो अपनी अपने अनुसार बच्चे में क्या करे विकास की ओर से लेके जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी, बिल्कुल रॉन्ग, बहुत ही निगेटिव क्वेश्चन है। जब भी आपको अपेक्षा वाली आ जाए या उपेक्षा, यानी छात्र से अपेक्षा ना रखो, कम अपेक्षा रखो या उनकी उपेक्षा करो, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। फिर उनको पहल दंडित करना, सिर्फ पनिशमेंट की बात आई वो भी गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, छात्रों में स्वेच्छा और पहल को पुरस्कृत करना, ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, विशेष छात्रों का बहुत कार्य भैया भी उम्मीद कमर को तो काम कैसे चलेगा। तो क्या लिखा, जो पहल करेगा यानी जो आगे के बढ़ेगा उसके पुरस्कार दो, उसको रिवॉर्ड दो ताकि वो खुश होगा, तो उसको देखकर के और बच्चे क्या होंगे आगे के बढ़ते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
या इसकी व्याख्या लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसी साथ वीडियो की कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपको जितने फिलोसफर या जितने भी सिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे, सारे आपको PYQ भी देखने को मिलेंगे, ईयर वाइज टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में से शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।